दोस्तों, क्या आपको पता है कि डॉज कॉइन एक मीम था जो अब पैसा बन चुका है। डॉज कॉइन जो एक मीम से, एक मजाक से शुरू हुआ था, वो आज की डेट में डिजिटल करेंसी बन चुका है। फ्रॉम मीम टू मून का सफर है इस कॉइन का। तो चलिए देखते हैं कि क्या है डॉज कॉइन, कैसे ये स्टार्ट हुआ और आज की डेट में डॉज कॉइन का इंडियन करेंसी में कितना वैल्यू है। दोस्तों, साल 2013 में डॉग का ये मीम काफी फेमस हुआ था। इसमें डॉग जिसका नाम है शिबा इनू, इसका एक फनी सा फोटो था जो कि एक अजीब नजर से देख रहा है। ये जैपनीज डॉग की एक ब्रीड है जो देखने में काफी क्यूट है। उन दिनों क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन काफी फेमस था, इसलिए दिसंबर 2013 में टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IBM सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैक्सन पाल्मर और एडोब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस ने जस्ट मजे और फन के लिए मीम और क्रिप्टो करेंसी को मिलाकर डॉज कॉइन निकाला। डॉज कॉइन बिटकॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी है। ये बिटकॉइन की तरह ही डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। डॉज कॉइन निकलने के बाद जैक पाल्मर ने ट्वीट किया कि इन्वेस्टिंग इन डॉज कॉइन, और ये ट्वीट बहुत वायरल हुआ। उन्होंने ये भी बताया डॉज कॉइन भी बिटकॉइन की तरह लिमिटेड नंबर में ही अवेलेबल है। लोग इसे फिर फन में खरीदने लगे। फिर साल 2017 में इसकी नज़र पड़ी रेडिट की एक कम्युनिटी पर, जो कि डॉज कॉइन को पूरी दुनिया में फैला दिया। फिर इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि वो डॉज कॉइन को लिटरली मून पर रखकर आएंगे। इलॉन मस्क ने कहा कि ये पब्लिक का पैसा है और ये फ्यूचर का करेंसी भी हो सकता है। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल शॉकिंग था। इलॉन मस्क के एक ट्वीट के बाद जो हुआ, तो सुनिए क्या हुआ। डॉज कॉइन की स्टार्टिंग वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 50 पैसा थी 6 महीने पहले, अक्टूबर या नवंबर 2020 में। अभी उस 50 पैसे का वैल्यू लगभग 50 रुपये हो गया है। मतलब अगर आप 6 महीने पहले डॉज कॉइन में 1 लाख रुपये लगा देते तो वो अभी 1 करोड़ बन जाता सिर्फ आधे साल में। अगर 1 करोड़ लगाते तो 100 करोड़ बन जाता सिर्फ आधे साल में। वैसे अभी डॉज कॉइन का वैल्यू बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। तो दोस्तों, मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, जनरल पब्लिक इतना ही इन्वेस्ट करें जितना अगर आपका खो भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। इसमें ऐसा मत करना कि आपने दिल खोल के करोड़ों का सपना देख के आपने सब कुछ बेच बाज के लगा दिया, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। आई होप दोस्तों आपको बहुत नॉलेज मिली होगी वीडियो से। मिलते हैं आपसे एक और नए नॉलेजेबल फैक्ट की वीडियो में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद।